इस वीडियो में हम जानेंगे एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए ये रूल कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स दिए हो, एक ट्रायंगल अगर हम मानते हैं ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो कह रहे हैं एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल कि अगर एक त्रिभुज का के दो एंगल्स दूसरे त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के बराबर हो और एक साइड जो इन दोनों के बीच ना हो बाहर कहीं, ठीक है, तो ये इस तरह से अगर ये दोनों बराबर हो तो ये दोनों क्या होंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी अगर एंगल वन एंगल टू के बराबर हो, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो, एंगल थ्री इज एंगल टू फोर हो, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर हो और ए सी बराबर पी क्यू आर पी आर हो, तो ये दोनों ट्रेंगल, इसलिए ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल पी क्यू आर एंगल एंगल साइड रूल से। एंगल एंगल साइड रूल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेंगल एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे वो हम देखेंगे। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, एंगल साइड एंगल यानी इससे पिछला थ्योरम, एंगल साइड एंगल यानी अगर किसी ट्रेंगल के अगर दो ट्रेंगल्स दिए हों और दो एंगल्स, एक ट्रेंगल का दो एंगल्स दूसरे ट्रेंगल के कोरिस्पोंडिंग टू एंगल्स, सॉरी एक ट्रेंगल के दो एंगल्स और उसको इंक्लूड करने वाला साइड और दूसरे ट्रेंगल के कोरिस्पोंडिंग टू एंगल्स और उनको इंक्लूड करने वाले साइड के बराबर हो, तो ये दोनों क्या होते हैं, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये दोनों। तो ठीक है, अगर हम ये पता कर लें तो ये भी उसी इसी फॉर्म में आएगा और एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल भी जो है सही होगा, यानी कि दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये रूल भी सही होगा। जैसे यहाँ पर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दो एंगल्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ पर एक एंगल और बचा, ये एंगल और ये एंगल, सपोज ये फाइव है तो सिक्स है, तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स होगा, ठीक है। तो जब ये बराबर हो ही गया तो एंगल साइड एंगल यानी इस थ्योरम से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्रेंगल में दो ट्रेंगल में अगर एंगल एंगल साइड से वो और दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि ये भी एक कॉन्ग्रुएंस का रूल है, कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, क्योंकि ये रूल इस थ्योरम से हम प्रूफ कर सकते हैं एंगल साइड एंगल से, क्योंकि जब दो एंगल्स किसी दूसरे त्रिभुज के दो एंगल्स के बराबर हो ही गए तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर होगा, और जब ये बराबर हो गया दोनों तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए ये रूल भी सही है, यानी एंगल एंगल साइड भी सही है। तो अगर किसी दो ट्रेंगल्स में अगर किसी ट्रेंगल में एंगल एंगल साइड रूल फॉलो कर रहा है तो वो दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे।